बीजेपी वालों की रैली इस वक्त नजर आ रही है। इंजीनियर इशाद जिन्होंने ये फैसला लिया है कि लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के टिकट पर जो है ये इंतखाबात लड़ने वाले हैं। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाल चौक में किस तरीके से इस वक्त भीड़ लगी हुई है। फिलहाल के तौर पर अगर माना जाए तो इस वक्त जिस तरीके से हिसाब बना है वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं इस वक्त क्या कुछ हिसाब इस वक्त बना हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करूंगा। रैली लाल चौक में जो है वो बाकायदा तौर पर निकाली गई है। इंजीनियर एजाज बालहामी जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं ये इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से जो है बाकायदा तौर पर डीडीसी इंतखाबात भी जो है वो एजाज बलहामी ने कंटेस्ट किए थे जिसमें जीत हासिल की थी। ये तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से माहौल इस वक्त लाल चौक में बना है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या कुछ माहौल है इस वक्त। इंजीनियर एजाज साहब हमारे साथ, एजाज साहब क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों से? कामयाबी, हमें यही एक्सपेक्टेशन है, लोग हमें वोट देंगे जी। तो बदलाव आएगा आपको लगता है? बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, क्या कश्मीरी के जितने भी फ्यूचर है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, लोगों को अपनी लोकल गवर्नेंस नहीं है, ना रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग चाहते हैं उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव। फिलहाल के तौर पर तस्वीरों में आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करूंगा कि क्या कुछ माहौल बना हुआ है। ये देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों का हुजूम इस वक्त जा रहा है, मगर एक दिक्कत जरूर है कि एक प्रॉब्लम जरूर आ रही है। आप क्या कहेंगे आज? कई सारे हुजूम इनके साथ नजर आ रहा है मगर ट्रैफिक में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल इस वक्त जो है वो बना हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा और वाजह करना चाहूंगा कि इस वक्त ये रैली जो है इंजीनियर एजाज बलहामी के हक में निकाली जा रही है ताकि लोग इन्हें चुन सकें, अपना नुमाइंदा जो है लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बना सकें। फिलहाल के तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। मजीद देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।